हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं हमारी न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है वह है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट को लेके, यानी PMRU को लेके क्वेश्चन है। वह है स्टेटमेंट आपके सामने है, तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है। जैसे देखो, मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि सबसे पहले आपको ये देखना कि पूछा क्या गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद देखना कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात है वो की गई है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट है ना, वो एक्चुअली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है ना, उसके द्वारा प्रपोज्ड है, वो की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट वो ये कह रहा है कि जो इसका मोटो है ना, मतलब प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट का, वो मोटो ये है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्राइस वगैरह रेगुलेट की जाती हैं, अगर उनका कोई वॉयलेशन करता है कोई भी मतलब पर्सन या फिर कोई भी संस्था हो या फिर कोई भी कंपनी, तो उसको ट्रैक करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो ये इसके जो भी फंक्शन होते हैं प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट के, वो एक्चुअली डायरेक्ट सुपरविजन में होते हैं किसकी, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI के। अब हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात की है, तो देखो हम जैसा यहाँ पे बताऊँ आपको, पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो कंटेक्स्ट तो वैसे आपको पता ही होगा, अभी हमने डिस्कस भी किया था कुछ टाइम पहले ही, कि केरला है वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट की स्थापना है वो की है। इसका काम क्या है, जो भी प्राइस का रेगुलेट रूल वगैरह को वायलेट करेगा उसके ऊपर एक्शन है वो ली जाएगी। तो यह आपको ध्यान में रखनी है कि जो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है ना, उसके अंडर एक्चुअली काम करेगा, ये एक तो फैक्ट हो गया। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। लास्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि नेशनल ड्रग कंट्रोल के अंडर काम सुपरविजन में काम नहीं होगा, ये डायरेक्टली सुपरविजन किसके अंडर काम होगा, स्टेट ड्रग कंट्रोल, क्योंकि स्टेट ने बनाया तो ऑब्वियसली स्टेट के तहत ही काम है वो करेगा। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। पहला स्टेट आपको ये ध्यान रखना है कि केरला है वो पहला ऐसा स्टेट बनाया है जिसने प्राइस को, जो भी वॉयलेशन वगैरह होता है इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट की स्थापना की है, ताकि जो मेडिकल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं इनकी प्राइस है वो मनमर्जी से ना ली जा सके। तो ये कुछ कंटेक्स्ट थे। बाकी हमने देखा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है, उसने प्रपोज किया था सभी स्टेट और यूनियन टेरेटरी को 5 साल पहले कि भाई आप अनेक ऐसी यूनिट की स्थापना, बॉडी की स्थापना करो, ताकि आपके स्टेट में और यूनियन टेरेटरी में जो भी प्राइस वगैरह की मतलब रूल वायलेशन होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है टेगोर अवार्ड फॉर कल्चर हारमोनी को लेकर, हारमोनी सर। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि है या कैश है अमाउंट है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसमें धर्म जाति पथ लिंग राष्ट्रीय नेशनलिटी और इनके आदि के आधार पर भेदभाव वगैरह नहीं होता, मतलब ये किसी को भी अवार्ड है वो दिया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो कल्चर मिनिस्ट्री है वो एक्चुअली पर्सन को सिलेक्ट करेगी और उसके बाद जो अवार्ड है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाएंगे। हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, जैसे मैंने आपको बताया करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। तो देखो हम यहाँ पे बात करें, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि कल्चर मिनिस्ट्री पर्सन को सिलेक्ट नहीं करती है यहाँ पे, ये सिलेक्शन का काम होता है 5 पर्सन की कमेटी होती है। कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और इसी के साथ 2 एमिनेंट पर्सन, मतलब 2 ऐसे प्रख्यात जो पर्सन हैं वो पर्सनलिटी वो। तो ये 5 लोग डिसाइड करते हैं और उसके आधार पे ही फिर टैगोर जो अवार्ड है वो दिया जाता है। कंटेक्स्ट देखो अभी आया था कि 150वीं की बर्थ एनिवर्सरी थी और उसके बाद ये अवार्ड है वो स्टार्ट किया गया था टैगोर अवार्ड। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है, 1 करोड़ रुपये की इसमें अमाउंट है वो दी जाती है किसी भी पर्सन को, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश वगैरह हो, वो इसमें कोई इश्यू है वो नहीं होता है। एक सेकेंड, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जैकोब डायमंड को लेके। पहला स्टेटमेंट ये है कि है ऑलमोस्ट डबल साइज का है कोहिनूर की। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह हीरा वो अभी भारत के पास है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यह जो हीरा है वो 1884 में इंडिया में पाया गया था, इंडिया में इसको मतलब डिस्कवर किया गया था और इसके बाद में इसको एक्चुअली जो भी टैक्स वगैरह लगते थे उस टाइम पे हैवी ड्यूटी वगैरह, उनसे बचने के लिए गुप्त तरीके से इंग्लैंड में भेज दिया गया था। हमने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे, तो देखो हम बात करेक्ट स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको एक बार तीसरे स्टेटमेंट को आप ढंग से पढ़िए, वैसे तो फैक्चुअल हो गया यहाँ पे। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है पहला और दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि है इंडिया में डिस्कवर नहीं किया गया था, यह एक्चुअली साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्कवर है वो किया गया था। साउथ अफ्रीका के अंदर आपको पता है एक इम्पोर्टेंट माइनिंग है एक, जिसका नाम है केम्बरले माइंस, वहाँ पे हीरो की काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हीरे वहाँ पे डिस्कवर हुए हैं और वहीं से इस सिटी को डिस्कवर किया गया था 1884 में। इसके बाद इंग्लैंड भेज दिया गया था इसको, ताकि जो भी ड्यूटी वगैरह उनसे बचा जा सके।
और इंडिया ने इसको वापस खरीदा था एक्चुअली हैदराबाद के निजाम की प्रॉपर्टी के तहत 218 करोड़ रुपए में 1995 में। तो रिसेंटली है इंडिया के पास, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलमोस्ट ये कोहनूर की साइज से डबल है। तो ये कुछ फैक्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO को। इसके बारे में देखो, हमने एक दो दिन पहले ही वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे इसके डिस्कस भी किया था कि है क्या। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यह एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जो कि सिटीजन्स मतलब नागरिकों और जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ बोलते हैं, उनके लिए अवेलेबल रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यह जो स्टेट है ना, उनको 2 महीने के अंदर जो भी रेप केसेस होते हैं उनको निपटारा करने के लिए, उनका सोल आउट करने के लिए मतलब टाइम की एक लिमिट है वो प्रोवाइड करवाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसको लॉन्च है वो किया गया था। अब देखो यहाँ पे इसने पूछा है हमें इनकरेक्ट, और UPSC इसी तरीके से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है, पहले करेक्ट करेक्ट पूछ लेगी फिर बीच में इनकरेक्ट का पूछ लिया, तो वहाँ पे हम कन्फ्यूज है वो हो जाते हैं एग्जाम में, वैसे काफ़ी प्रेशर है वो अपने आप बिल्डअप वो हो जाता है। देखो यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही है। अब बात करें हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट की, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह सिटीजन्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए अवेलेबल रहेगा, ये गलत है, सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, आम नागरिकों को इसकी एक्सेस वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो काम पुलिस वगैरह का है, जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको एक्चुअली इसका मतलब जो भी एक्सेस है वो यहाँ पे मिलेगी। तो यह नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पुलिस स्टेशन वगैरह हैं उनको इसका एक्सेस है वो मिलेगा, ताकि वो जो भी ट्रैक वगैरह उनको कर सकें, और 2 महीने के अंदर जो रेप केस वगैरह हैं उनको क्लोज आउट या उनका सोल्यूशन है वो यहाँ पे करना होगा। इसी के साथ आप ये बताइए जो CCTNS जो नेटवर्क है वो कौन सी मिनिस्ट्री का है, ये आप बताइए, क्राइम कंट्रोल एंड ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम ऐसे कुछ, इसकी वो माँ बताइए कि CCTNS जो नेटवर्क है वो किसके लिए है, ये इसके मतलब सॉरी किसके लिए है, या इसका हमें पूछते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसका पोर्टल ये जो इनिशिएटिव ये स्टार्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को लेकर, ये आपको एक्चुअली आंसर में बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि है अंडमान और निकोबार में ही पाया जाता है, एंडेमिक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि जो कृषि के लिए जो भी नेचुरल हैबिटेट थे वो एक्चुअली काफ़ी तेज़ी से विघटित हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी आबादी को इफेक्ट है वो यहाँ पे कर रहे थे। हमें यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट, कि इनकरेक्ट कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखते हैं आज की हमारी न्यूज़, पहली जो न्यूज़ आई है वो है मेरा गाँव मेरा गौरव। देखो यह जो इनिशिएटिव है ना वो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो और इसी के साथ हमारे देश के फार्मर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनके बीच में एक इंटरफेस बिल्डअप करने के लिए स्टार्ट है वो क्या गया, मतलब नया इनोवेशन नया इनोवेटिव आइडिया है जिसका मोटो यह है कि साइंटिस्ट और फार्मर के बीच में कोलाब्रेशन होनी चाहिए, ताकि फार्मर डायरेक्टली साइंटिस्ट से कॉन्टेक्ट कर सकें जो भी उनके इश्यूज़ वगैरह हो। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये मेनली कि जो साइंटिस्ट है ना वो एक्चुअली फार्मर्स को जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसके साथ ही जो उनको नॉलेज चाहिए है उनके पास तो साइंटिस्ट अपना नॉलेज है वो शेयर करेंगे, और इससे के साथ अगर फार्मर्स को कोई भी मतलब एडवाइस की ज़रूरत हो या फिर कोई भी रेगुलर बेसिस पर जैसे उनको फसल वगैरह कुछ कीड़ा हो कुछ भी ऐसे इशूज़ हों तो उनके लेके उनको एडवाइस है सपोर्ट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर वो उनको मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि देखो हमारे देश में जो किसानों की हालत है माली हालत इसको सुधारा जा सके। इसके साथ ही साइंटिस्ट और किसानों के बीच में कोलाब्रेशन होना भी बहुत जरूरी है, क्यों आपको पता है इंडिया में काफी बड़े एरिया में आज भी खेती है वो की जाती है, और इसलिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव उठाया वो यहाँ पे गया है। अब इसमें किया क्या गया है कि जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग एक्चुअली विलेजों में, जब मतलब कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप हो गया, जैसे मानो कि 5 साइंटिस्ट ने मिलकर एक गाँव है उसको मतलब तरीके से उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया, तो उस गांव से रिलेटेड वो जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो उन लोगों को बताएंगे कि वहाँ पे जमीन कैसी है, कैसी खेती वो कर सकते हैं, अगर ये खेती करेंगे तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा, ये यहाँ पे कीड़े अगर किसानों को लगता है कि अगर वो फसल बो रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कीड़े वगैरह की, तो वो एक्चुअली साइंटिस्ट से डिस्कस वगैरह कंसल्ट वो कर सकते हैं, और एक्चुअली जो टाइम टू टाइम उनको टेक्निकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे टेलीकम्युनिकेशन की बात हो या फिर पर्सनल विजिट हो उसके द्वारा। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट इंटरफेस टू साइंटिस्ट एंड फार्मर्स, मतलब किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में इंटरकनेक्ट एक लिंकेज बनाने के लिए स्टार्ट है वो किया गया है। तो अभी लगभग 20,000 साइंटिस्ट हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम के, उन्होंने डायरेक्टली किसानों के साथ मतलब ये टाइप या तरीके से इनिशिएटिव को स्टार्ट कर दिया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था जिसे हमने यहां पे कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है LCA तेजस। LCA का मतलब यहाँ पे गया है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। देखो आपको पता है इंडिया ने एक तेजस एयरक्राफ्ट बनाया था जो कि इंडिया का पूर्ण रूप से स्वदेशी था। देखो एक फैक्ट सबसे पहले आपको बताऊँ, इसके कुछ फैक्ट UPSC पूछ सकती है स्टेटमेंट के थ्रू। एक तो तेजस है ना वो 4th जनरेशन का है,
खैर वैसे तो इसको 4.5 का कहा जाता है, बट ये फोर्थ जनरेशन का, ये ध्यान रखना, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है कि फिफ्थ जनरेशन का वगैरह वगैरह, बट ये इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ जनरेशन का ही ये है। इंडिया कैसे नॉर्मली बोलते हैं कि 4.5 मतलब 4 और 5, 4 से तो एडवांस है और 5 से थोड़ा पीछे है। अब देखो इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंटेक्स्ट क्या, पहले तो वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये आया है कि जो इंडियन एयरफोर्स है ना, उसने अभी फाइनल जो क्लियरेंस है वो मिल गया है कि हाँ भाई हम इसका यूज है वो कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी, थोड़ा आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, कि कोई भी वैसे एयरक्राफ्ट वगैरह बनाया गया है तो पहले उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, इसके बाद में उसका सर्टिफिकेशन होता है। किसके द्वारा सर्टिफिकेशन का काम होता है, यहाँ पे सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन, जो कि आती है DRDO की लेबोरेटरी के अंतर्गत। ये एक्चुअली सर्टिफाइड करती है कि हाँ भाई ये जो विमान आपने बनाया है, ये जो एयरक्राफ्ट बनाया है, वो अभी एक्चुअली यूज करने लायक हो गए हैं, आप इसको सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो गए तो आप अब इसको एयरफोर्स के बेड़े में शामिल वगैरह कर सकते हो। तो अभी सर्टिफिकेट मिल चुका है और अभी इसका इंडियन एयरफोर्स वो यूज है वो कर सकती है। ये आपको पता है कि DRDO के द्वारा एक्चुअली इसको, मतलब DRDO के कंट्रीब्यूशन के द्वारा इसको डेवलप है वो किया गया था। वैसे जो ये बनाया गया था वो इंडिया की कंपनी है, कौन कौन सी, एक तो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और एक है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों के द्वारा इसको मिलकर बनाया गया था। और एक ये ध्यान रखना है कि जो तेजस जो एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ये एक्चुअली MiG-21 फाइटर्स को मतलब एक तरह से रिप्लेस करेगा, क्योंकि जो MiG-21 है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनको अभी रिप्लेस करके यहाँ पे तेजस को जगह है वो दी जाएगी। आप ये बताइए कि MiG-21 कहाँ से लिए थे इंडिया ने, MiG-21 जो फाइटर प्लेन है वो कहाँ के थे, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि तेजस जो एयरक्राफ्ट इंडिया ने बनाया है वो सुपरसोनिक स्पीड है उसकी, मतलब सुपरसोनिक एयर फाइटर एयरक्राफ्ट है, लाइट वेट है इसका, सिंगल सीट है। ये देखो UPSC क्या है, स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि यह सिंगल सीट है, मल्टी सीट वगैरह है, तो हमें ध्यान रखना कि भाई सिंगल सीट मल्टी रोल है, मतलब काफ़ी सारे रोल इसके द्वारा किए जाते हैं और एक इंजन है, ट्विन इंजन नहीं है, सिंगल इंजन है। तो ऐसे क्वेश्चन UPSC स्टेटमेंट के थ्रू हमें पूछ सकती है, तो इसके 3-4 जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है वो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है विविध 2019 को लेके। देखो जो विविध जो इनिशिएटिव है ना, वैसे तो ये 2017 में स्टार्ट किया गया था ईयरली बेसिस पे, जिसका मोटो ये था कि जो टेक्नोलॉजी का एरिया है ना, इसके अंतर्गत जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर है उसको मतलब तरीके से सुदृढ़ करना, एम्पावर है वो करना। सीधी सी बात ही है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के जो अधिकारी हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी है इसका डेवलपमेंट करना, एक तरीके से हमारे देश में टेक्नोलॉजी है उसको और नए लेवल पर लेके जाना, ये इसका मेन मोटो रखा गया था। तो अभी इसका जो इनिशिएटिव अभी 2019 का एडिशन है उसको स्टार्ट करने की बात होगी कि ये 21 से, मतलब आज और कल इसको आयोजित है वो किया गया था, तो ये ध्यान में रखना है कि इसकी ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि विविध 2019 है वो किस रिलेटेड है। विविध की वैसे फुल फॉर्म यहाँ पे है, विजन इनसाइड एंड वॉइस एंड इंडिया गोज डिजिटल, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। UPSC की पूछ लेती है कि एयरक्राफ्ट वगैरह है या फिर इंडिया की सबमरीन मिसाइल वगैरह वगैरह, तो ये पता होना चाहिए कि भाई है क्या ये चीज़। तो ये मैंने इसका जो कंटेक्स्ट था जो हमने यहाँ पे को किया, बाकी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन से जो न्याय मंत्री वगैरह हैं वो कुछ इतना कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रीजनल मेरीटाइम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को लेके। देखो 2-3 दिन से आर्टिकल है वो न्यूज़ में आ रहा था, कंटेक्स्ट ये आया था कि जो कि जो रीजनल मेरीटाइम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है वो अभी मुंबई में आयोजित है वो की गई है, और ये इंडिया में पहली बार आयोजित है वो की जा रही है, आपको ध्यान में रखना है। अब इसका है क्या है, कौन इसको आयोजित कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइज की जा रही है नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन और इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब इन तीन का कोलैबोरेशन है और इसके आधार पे या ये जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जा रही है। तो थोड़ा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा रीजनल मेरीटाइम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, मतलब जो इंडिया के आसपास का जो रीजनल मेरीटाइम वाला एरिया है उसके अंदर सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कॉन्फ्रेंस वो आयोजित की जा रही है। थीम इसकी इस बार की थी रीजनल मेरीटाइम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, जो इसके नाम पे थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया और आसियान सब रीजन है ना, इसके अंतर्गत मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसको सिक्योर सुनिश्चित है वो करना, इसके साथ ही ट्रेड है वो सी रूट्स के थ्रू बूस्ट है वो कह जा सके। अब देखो मेरीटाइम सिक्योरिटी में क्या क्या जाते हैं, जैसे आपको तो मेरीटाइम सिक्योरिटी में बात कर सकते हैं, जैसे एक तो जो समुद्री जो लड़ाकू या डाकू होते हैं जिन्हें हम पायरेट्स बोलते हैं उनसे निपटना हो ट्रेड वगैरह में, या फिर हम बात करें एक तरीके से कि कोई भी शिप वगैरह का इश्यू हो गया हो, कि शिप खराब हो रहा हो तो एक दूसरी कंट्री उसको सपोर्ट वगैरह करे, या फिर ऑयल स्पिलिंग की प्रॉब्लम हो गई हो और स्पिल वो हो रहा हो कहीं ना कहीं, तो ऐसे जो कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं उन इश्यूज से, मतलब ओशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका आपस में मिल बांट के निपटारा वो किया जा सके, उन सब के लिए आपस में कोलैबोरेशन वगैरह वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना इंडियन आसियान सब रीजन के, क्योंकि रीजनल है मतलब क्षेत्रीय है, तो इंडिया आसियान वाले सब रीजन के लिए मेनली स्टार्ट है वो की गई है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। आज आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करवाएं।
तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।